अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सब? और आज का ईद का दिन है, अभी हम लोग कहाँ जाएंगे जिसान? ईद करने, ईद का नमाज पढ़ने के लिए है ना? कौन जाएगा फरील, कहाँ जाएंगे? ईद के नमाज पढ़ने के लिए। और हमारे क्षेत्र में ईद कैसा बनता है, कैसे हम लोग इंजॉय करते हैं, सब आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आप लोग वीडियो में जुड़ा रहे, बहुत इंजॉय होने वाले है और बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो जिसान और फरीन को आपको दिखाता हूँ, नया नया शर्ट लिया है। जिसान ने लिया है नया पंजाबी और शहीद ने लिया है नया पंजाबी और फरीन ने लिया है नया शर्ट और एकदम रेडी है। और आपका भाई यानी कि हमने लिया है क्या, पंजाबी। अभी मम्मी आएगा, सुरमा लगाएंगे आंखों पर और सुरमा लगाने के बाद हम लोग जाएंगे कहाँ, ईद के नमाज पढ़ने के लिए। तो हमारे क्षेत्र में काफ़ी भीड़ होता है, तो अभी हम लोग जाएंगे कहाँ, ईद का नमाज पढ़ने के लिए। तो आप लोग वीडियो में जुड़ा रहिए। अभी मम्मी सुरमा लगा रहा है, तो फ्रेंड्स अभी हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे अभी सब जो है ईदगाह जो है सब हमारे क्षेत्र में अलग अलग जगह से सब लोग जो है एक साथ जाएंगे और हम लोगों का जो नमाज है 7:15 में चालू हो जाएगा। अभी हम लोगों के पास आधा घंटा समय है, हम लोगों को सब एक साथ जाना है और बैठना है। काफ़ी सारे लोग आएगा एक साथ यहाँ, यानी कि 22 गाँव का जो आदमी होता है सब यहाँ आएगा। तो चलो आप लोग वीडियो में जुड़े रहिए। तो फ्रेंड्स देखिए अभी जो है आदमी बहुत ही कम है और थोड़ी देर में काफ़ी सारे आदमी आ जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा, जितना भी हो सके शूट करूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। हमारे क्षेत्र में काफ़ी लोग आते हैं, आने लग गया है। देखो अभी नमाज के लिए हम लोग उठ रहा है, नमाज बाद आप लोगों से मिलता हूँ। तो फ्रेंड्स हम लोग का नमाज जो है अभी ख़त्म हो चुकी है और काफ़ी सारे आदमी बाहर जा रहा है। अब फिर आएगा, थोड़ा टिफिन कर लेगा, टिफिन करने के बाद सब आएगा, सब बैठेगा और अभी चलेगा क्या, दुआ चलेगा, कोई खुतबा सुनेगा और पैसा कोड़ी सब यहाँ दान करता है। देखो कितना आदमी दूर दूर से आया है, काफ़ी सारे आदमी होता है और एक साथ हम लोग नमाज पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है। साल में एक साल होता है और ईद उल फितर और ईद उल जुहार होता है, साल में हम लोगों का यानी कि दो बार यहाँ नमाज होता है और अपने मस्जिद में करते हैं। तो ये सब बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। और अभी जाएंगे हम लोग भी, थोड़ा टिफिन खाएंगे अभी, चलो देखते हैं, चटपटी खाएंगे, फरीन को भी खिलाएंगे। हम लोग बेटा जो है और हम और मेरी बिटिया, तीन आदमी जाएंगे। चलिए तो फ्रेंड अभी जो है शहीद या जिसान और हम अभी खाएंगे क्या, चटपटी। घुमनी जो होता है ना हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छा बनाते हैं और इसको हम लोग छोला बोलते हैं, लेकिन आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं। क्या हो रही दोस्तों, क्या ले रहा हूँ दे रहा हूँ दोस्तों। अभी आए हूँ यानी कि नमाज पढ़ के हम गए थे कब्रिस्तान, वहाँ पे पापा की कब्र पे थोड़ा दुआ किया। उसके बाद हम सिरसाई गए थे फरीन और हम, और यानी कि अभी हम लोग का बन रहा है चिकन, आज हम लोग खाएंगे चिकन, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये बन रहा है हम लोग का देसी चिकन है, ठीक है, देसी चिकन अभी बन रहा है। ईद के दिन हम लोग देसी चिकन ही खाते हैं। तो अभी सब ड्रेस खोलेंगे और आराम करेंगे, क्योंकि रात 2 हम लोग आज सोए थे और 4 उठ गए थे, तो थोड़ा थकान महसूस हो रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी थोड़ा आराम करेंगे।
तो हो सके तो और भी कुछ आज वीडियो शूट करूंगा, वरना यहां से ख़त्म कर दूंगा, तो वो बाद में आप लोगों को बताता हूं। तो दोस्तों अभी 10 बज चुकी है, क्यों आज जो है जो नींद मारा हूं ना, कितने दिन के बाद अभी यानी कि ऐसा नींद मार रहा हूं। अभी दुकान में काफ़ी काम भी था और घर का भी सब काम था। परिन खाना खाया, कैसा लगा? अच्छा लगा। क्या क्या खाया? चिकन खाया, चिकन खाया, मिष्टी खाया, दही खाया, स्प्राइट खाया नहीं? और जिसान को देखो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? अरे गेम खेल रहा हूँ। गेम? कौन सा गेम खेल रहा है तू? अरे हमेशा तू गेम खेलता रहता है, हा? हमेशा नहीं, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। छुट्टी है। छुट्टी है तो क्या हुआ, पढ़ना पड़ेगा बेटा। परिन आपने खाता लिखा लिया, होमवर्क किया नहीं किया? तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, आज यहाँ से ब्लॉग खत्म करेंगे। क्यों? एक और आप लोग, आप लोगों के लिए खुशखबरी है क्या, घर बैठे बैठे एक चीज और भी आप लोग देख पाएंगे। यहाँ से जाएंगे कहाँ, दार्जिलिंग सिक्किम। वहाँ क्या होता है हम लोगों का, यानी कि पहाड़ जो होता है बर्फ की पहाड़ होता है, और वहाँ 0 पॉइंट जो होता है, बहुत ही तापमात्रा जो होता है बहुत ठंडी होती है। तो वहाँ जाएंगे गोप्रो लेके और काफ़ी वीडियो शूट करेंगे, तो इसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे गाइस। क्योंकि देखो आप लोग जो मेरे चैनल में टिके हो, तो आप लोगों को मैंने बताया था काफ़ी सारी जगह हम जाते हैं, तो आप लोगों को क्या करते हैं ब्लॉग की जरिए से दिखाता हूँ। तो हम लोग जाएंगे यानी कि 17 तारीख को कहाँ जाएंगे, दार्जिलिंग। तो 17 तारीख के बाद आप लोगों को एक ब्लॉग और भी देखने को मिलेगा, वो भी ब्लॉग आप लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का ब्लॉग यहाँ से ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।